दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है टेरपल जडर रूल। इसके पहले हमने सिंसर रूल दोस्तों सिखाया है इस चैनल पे, इसके जस्ट पहले ही दोस्तों वो वाला वीडियो है। अगर जो दोस्त वो वीडियो ना दिखाओ तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से वहाँ समझाया गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों टेरपल जडर रूल का फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे दोस्तों आपको एफ ऑफ एक्स का यहाँ पर दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स का समाकलन करना है और उस केस में जो लिमिट होगा दोस्तों वो ए टू बी होगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे जिसका भी हमें समाकलन करना होगा, तो उसको यहाँ पे लिख के फिर जो लिमिट दिया रहेगा उसके साथ लिख के यहाँ पे दोस्तों इक्वल टू लिख देंगे एच बाई टू इंटू एफ प्लस एल, मतलब फर्स्ट फंक्शन प्लस में लास्ट फंक्शन। ओके, प्लस में टू इंटू फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के दोस्तों जो भी फंक्शन बचेंगे सबको टू इंटू यहाँ पे दोस्तों, जैसे हमारा वाई टू बचा, माना कि यहाँ दोस्तों कितना बचेगा, वाई टू बचा, एक वाई टू हो गया और एक बचा दोस्तों वाई थ्री। ओके, तो वाई थ्री प्लस में वाई फोर बचा, तो वाई फोर को अगर फाइव तक है तो दोस्तों एफ वाई वन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और जो वाई फाइव हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, वाई लास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ये दोस्तों यहाँ पे एफ के स्थान पे वाई वन हो जाएगा और रियल के स्थान दोस्तों कितना हो जाएगा, वाई फाइव हो जाएगा। ओके, और दोस्तों जो बीच में बचे बोले तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, वाई टू और वाई थ्री बच जाएगा, तो उन दोनों को टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये फार्मूला बन जाता है। अब देखिए जब फार्मूला बनने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया रहेगा। देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है कि जो न्यूमेरिकल दोस्तों वो दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वन अपान वन प्लस एक्स है दिया हुआ, जो उस केस में दोस्तों जो लिमिट दिया हुआ वो दिया हुआ है वन टू फाइव दिया हुआ। ओके, इतने का हमें करना समाकलन कहा है डी इंटू वन अपान वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स का मान समलंबी नियम मतलब ट्रेपेज़ॉइडल रूल से ज्ञात करें। इतने का हमें वैल्यू निकालना है ट्रेपेज़ॉइडल रूल से। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर अंतराल कितना दिया हुआ, अंतराल बोले तो लिमिट कितना दिया हुआ दोस्तों, तो लिमिट दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वन टू फाइव दिया हुआ लिमिट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट कितना दिया हुआ वन टू फाइव दिया हुआ। तो को चार बराबर भागों में बांटने पर, अब देखिए यहाँ पर बांटने पर कोटियों की संख्या पाँच हो जाएगी। अब देखिए यहाँ दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि चार बराबर भागों में बांटने पर तो कोटियों की संख्या पाँच कैसे हो जाएगी। देखिए आपको समझाना चाहूँगा कि दोस्तों इसे हमारा कोई चीज़ कोई क्षेत्रफल दिया हुआ, माना कि ये हमारा क्षेत्रफल है, इसको हमें चार बराबर भागों में बांटना है। अब क्यों बांटना है, क्योंकि यहाँ दोस्तों वन टू फाइव दिया हुआ है, तो हम देखो चार बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक हम ये बांट लिए फिर दूसरा ये तीसरा, तो चार बराबर भागों में हो गया ये दोस्तों, यहाँ पर कितना हो गया ये वन हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, यहाँ पे फोर, और फाइनली हमें कितना आ जाएगा यहाँ फाइव हो जाएगा। तो वन से कितना जाना है तो दोस्तों फाइव तक जाना है, मतलब वन वन का अगर हम यहाँ पे अंतराल करते जाएँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे चार वो बन जाएंगे, चार पट्टी बन जाएंगे। तो यहाँ पट्टी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, एक मतलब एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन के बीच की लंबाई जो होती है दोस्तों उसको पट्टी बोलते हैं। ओके, तो इतना जो जगह है इसको पट्टी बोलेंगे, तो कितनी पट्टी बन गई, दो, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, यहाँ चार हो गया, तो पट्टियों की संख्या ना हो जाएगी दोस्तों चार हो जाएगी, जब हम इसको सॉरी हाँ चार हो जाएगी। और जो कोटी हो जाएगी दोस्तों, ये डिवीजन होता है जो ये दंड होती है डिवीजन, इसको कोटी बोलते हैं, तो कोटी कितनी हो जाएगी पाँच हो जाएगी। तो ही यहाँ पर कहीं ना कोशिश किया गया है कि यहाँ देखिए जब दोस्तों इसको चार बराबर भागों में बांटने पर कोटी की संख्या कितना हो जाएगा, चार पाँच हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम लिमिट देखता हूँ सॉरी लिमिट कह रहे हैं एच देखते हैं, एच बोले तो दोस्तों डिफरेंस जो हमारा पट्टियों की संख्या में पट्टियों के बीच में जो डिफरेंस रहते थे, हम यहाँ पे जो दोस्तों माने थे जो डिवीजन किए थे वो हर एक मीटर पे लगाए थे हर एक डिवीजन। ओके, तो जो एक मीटर के बीच बीच में लगाए थे वो एक मीटर जो है दोस्तों वो एच माना जाता है। ओके, तो इसको उभयनिष्ठ दूरी भी बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, वन हो जाएगा। ओके, कहीं कहीं यही होता है कि जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो घुमा के पूछता है, तो यह इसको ज्ञात करना होता है, जैसे किसी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताता हूँ उसको, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे रख देना। ओके, क्योंकि वन टू फाइव दिया हो तो डायरेक्टली आपको देखने से लग रहा है कि दोस्तों अगर हम इसको चार बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें जो अंतराल लेना पड़ेगा वो एक एक लेना पड़ेगा। तो जो अंतराल अंतराल कह रहा हूँ उभयनिष्ठ दूरी हो जाएगी वो एक एक हो जाएगी, एक तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एच का वैल्यू एक ले लिए हैं। उसके बाद देखिए y इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया था दोस्तों यहाँ पे x का जो फंक्शन दिया था उसको y मान लेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपान वन प्लस में x हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जब हम पांच भागों में बांटे थे तो उसको हम पांच बराबर, जैसे कि हम जब पांच भागों में बांटे थे जो क्षेत्रफल था हमारा, ओके, इसको हम कितना भागों में बांटे दोस्तों, पाँच बराबर भागों में बांटे थे, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू हो जाएगा वो भी पाँच ही हो जाएगा। ओके, वो भी कितना हो जाएगा दोस्तों, पाँच हो जाएगा। तो x इक्वल टू एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा, एक बार दोस्तों कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, एक बार यहाँ पर थ्री हो जाएगा, एक बार फोर, और एक बार फाइनली फाइव हो जाएगा, क्योंकि जो लिमिट है वन टू फाइव है, तो एक से लेके पाँच तक जाना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वन का वैल्यू रखेंगे कितना, वन रखेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में। जब यहाँ वन रखूँगा तो यहाँ दोस्तों जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वाई वन निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पर वाई वन का वैल्यू जब दोस्तों यहाँ पर रखता हूँ इस वाले फंक्शन में, इस वाले में रखता हूँ दोस्तों एक्स इक्वल टू कितना रखता हूँ, वन रखता हूँ, तो यहाँ पर वाई वन का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों वन अपान टू। ओके, तो जब यहाँ y1 का वैल्यू वन अपान टू आ जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों जब हमें यहाँ पे फिर x2 का वैल्यू रखूँगा तो क्या करूँगा यहाँ पे ऐड कर दूँगा,
क्योंकि एक अंतराल में एक बढ़ जा रहा है जो कि हमारा एक में इस वाले एक में दोस्तों इस वाले एक में 101 वाले एक में एक हम ऐड कर देंगे। एक बोले तो जो ऐड कर रहा हूँ वो यच ऐड कर रहा हूँ ना कि एक अपने तरफ से ओके यच ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे यच के स्थान एक के स्थान पे दोस्तों यच का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है आगे के क्वेश्चन में, तो हमको याद रखना है कि यहाँ पे एक अपने तरफ से नहीं ऐड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यच ऐड कर रहा हूँ ओके। तो यहाँ पर जो एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 1+1 हो जाएगा, बोले तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाई टू का वैल्यू दोस्तों निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1/1+2, क्योंकि एक्स के यहाँ पे 1/1+x है तो एक्स के साथ कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। जो फाइनल निकल के आता है वाई टू का वैल्यू वो हो जाता है दोस्तों 1/3। उसी प्रकार से वाई थ्री का वैल्यू निकालूंगा दोस्तों और वाई फोर का और वाई फाइव का ओके। वाई फोर के यहाँ पर दोस्तों निकला हुआ, देखिए वाई फोर का निकला हुआ और वाई फाइव का निकालूंगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाई फाइव का वैल्यू दोस्तों कुछ यहाँ से निकला हुआ है ये ओके। तो उसी इमेज को दोबारा यहाँ पर खींचा गया तो इतना हो जाएगा वाई फाइव का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव का सबका वैल्यू निकल गया ओके, एक से लेकर 5 तक का वैल्यू निकल गया है। अब दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पे एक्स एफ एफ याद करना, बोले तो फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन निकालना है और जो एच था वो हमें यहाँ पे लिख लेना दोस्तों। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो फर्स्ट वाई वन हो जाएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो लास्ट फंक्शन होगा उसको क्या मानेंगे एल मानेंगे ओके। एफ इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और एल इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6 हो जाएगा ओके। इतना हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा। इन सब का वैल्यू निकालने के बाद फिर फार्मूला डायरेक्टली रखता हूँ यहाँ पे। तो जो दोस्तों फार्मूला होता है वो कितना होता है एच बाई टू इंटू एफ प्लस में एल प्लस में टू इंटू एफ और एल के अलावा जो बचते हैं उसको अंदर ऐड करके लिख देना है हमें। अब देखिए यहाँ पे बचने वाले की जो बात आती है दोस्तों तो कौन कौन से बच रहे हैं हमारा देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट हमारा दोनों को छोड़ के सब बच जा रहे हैं। कौन कौन से बच रहा है, वो बच रहा है हमारा वाई टू वाई थ्री वाई फोर ओके। तो ये तीनों बच रहे हैं, तीनों क्या करेंगे हम टू से मल्टीप्लाई करके दोस्तों सबको ऐड कर दूंगा ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो अंदर रखा हुआ है कितना रखा हुआ वाई टू वाई थ्री वाई फोर रखा हुआ ओके। इतना हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों एफ का वैल्यू रखूंगा और एल का वैल्यू रखूंगा और वाई टू वाई थ्री और वाई फोर का वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा ये वाई टू वाई थ्री और वाई फोर का वैल्यू हो जाएगा। अब इन सबको दोस्तों अगर मैं हल करता हूँ तो देखिए आपके इतना तो आपको हल करना पड़ेगा ओके। तो हल करने के बाद दोस्तों जो फाइनली आंसर निकल के आता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो फाइनली आंसर निकल के आएगा दोस्तों इसका आएगा 1.117 ओके 1.117 ये फाइनली आंसर हो जाता है इसका इस क्वेश्चन का ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में सरल क्या था दोस्तों, इस क्वेश्चन में सरल ये था कि इसमें जो एच की वैल्यू था बहुत इजीली हम निकाल सकते थे ओके। कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों हमें घुमा देता है एच का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हमें दोस्तों एक सूत्र होता है उसे निकालना पड़ता है एच का वैल्यू। तो देखते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन में कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि समलंबी नियम के प्रयोग द्वारा n इक्वल टू 6 के लिए n दोस्तों यहाँ पे बोला जाए तो पट्टियों की संख्या होगी, जिससे कि मतलब दोस्तों हम पट्टी बताए थे आपको कि पट्टी क्या होता है, जैसे हमारा एक क्षेत्रफल कोई इसको हम बांट रहे हैं कई भागों में, माना कि मैंने 4 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे देखिए पट्टियों कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ पे जो ये विड्थ है बोले तो यहाँ दोस्तों जो चौड़ाई है वो एक पट्टी मानी जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई दूसरी पट्टी मानी जाएगी। तो पट्टियों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 4 है, 4 दिख रहा है ना। तो उसी प्रकार से एन का जो वैल्यू दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बोला पट्टियों की जो संख्या है यहाँ पे 6 है क्वेश्चन में ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा जो लिमिट दिया हुआ 0-1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों लिमिट दिया हुआ 0-1 दिया हुआ है यहाँ पे सूटेबल अगर हम अपने हिसाब से मानना चाहें तो दोस्तों मान नहीं पाते हैं कि हमें कितना यहाँ पे ले सकते हैं, हम कितने भागों में इसको डिवाइड करना है ओके। अगर यहाँ पे दोस्तों एन का वैल्यू नहीं दिया होता तो हम डिवाइड मतलब अपने हिसाब से मान लेते हैं कि 0.25 मान लेते हैं तो हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों एन का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें जबरदस्ती इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा कुछ इस प्रकार वाले फार्मूले से। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है तो एच इक्वल टू दोस्तों फार्मूला होता है जो वो होता है b-a/n ओके। अब यहाँ बात आती है कि बी क्या है और ए क्या है और एन क्या है, एन तो बता दिए दोस्तों यहाँ पर कोटियों की संख्या है सॉरी पट्टियों की संख्या है, लेकिन बी और ए दोस्तों होता है जैसे कि हमारा लिमिट दिया हुआ है ये यहाँ पे दिया होता है a, a to b दिया होता है ओके। तो यहाँ ए इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर दिखता हूँ कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, यहाँ पे बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों 1 दिया हुआ है ओके। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू हो जाएगा हमारा ए और बी का कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो 1-0/6 इक्वल टू दोस्तों अगर एच का वैल्यू निकालना चाहें तो निकल के आएगा कितना 1/6 ओके। अब इसको सिंपली दोस्तों उसी प्रकार से इसको भी हल करना है, यहाँ पे 6 फंक्शन बनेंगे दोस्तों जैसे वाई टू वाई फोर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर इसे करके वाई सिक्स जाएगा, वाई सिक्स तक जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, एक फर्स्ट चूज करना है एक लास्ट चूज करना है और जो बचते हैं उसको सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लेके आना है बस। और आगे दोस्तों एच वाई टू होता है बस उसने उतने से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकल गया ना। देखिए जो आंसर निकल गया दोस्तों वो निकल गया कितना यहाँ पे 2.02 निकल गया था ओके। आप इसको अपने हिसाब से हल करिएगा, देखिएगा आंसर आपका आता है कि नहीं आता। अगर दोस्तों आगे आ जाएगा, अगर दोस्तों आपका आंसर आता है तो आप जान लीजिए कि आप सीख गए हैं समलंबी नियम ओके। अगर नहीं सीखे दोस्तों अगर कहीं बज रहे हैं तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि सर हम यहाँ पे बज रहे हैं, हमें प्लीज़ बताइए इसको, तो हम तुरंत कमेंट करके आपको तुरंत दोस्तों उसको समझाएंगे ओके।
और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ जय हिंद जय भारत।